आप आपका नाम क्या है गुड़िया? क्या नाम है? आपकी शादी हो गई? शादी हो गई? नहीं हुई। अच्छा, कौन सी? आप पढ़ते हो? क्लास में पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? स्कूल जाते? यहाँ मतलब मैंने देखा कि लोग स्कूल कम ही जाते हैं बच्चे लोग। और काम भर ले दुनिया बहुत सारी बहुत को धंधे चढ़ा रखी इस गांव में। अच्छा, हम जैसे के तो कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा, मेरी तीन लड़कियां थी, मैंने शादी कर दी। लगेगी ऐसे जाएंगे ना खचा खचा जब पढ़नाएंगे। अभी बाहर से मैं जब आया तो बहुत डरता डरता आया मेरे को। काफी लोग डरा रहे थे कि भाई आप उधर लूट लेंगे, वो कर लेंगे। ये थोड़ा है इस एरिया में ज्यादा है ना। अगर हिम्मत मजबूत रहेगी तो कोई नहीं लूटेगा। हिम्मत कच्ची हो जाएगी तो कोई लूट लेगा भाई। ये बात नहीं हमने। अरे नहीं नहीं, वीडियो काहे के बना रहे हो आप? अरे वीडियो नहीं है, मैं तो गांव का सर्वे देख रहा हूँ। मैं तो देख रहा हूँ माता जी, यहाँ पे मतलब देखा मैंने हर घर में लगभग वेश्यावृत्ति वाला थोड़ा ज्यादा चल रहा है यहाँ। इसी लगे वेश्यावृत्ति, लेकिन किसी की सोच है और किसी की नहीं है। सब एक तरह नहीं है यहाँ पे नहीं, लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल विष्णु आप सभी का यात्रा गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और यह वीडियो दोस्तों आप कंजर आदिवासियों के बारे में देखने वाले हो। मैं अभी पहुंचा हूं दोस्तों बूंदी जिले के रामनगर करके गांव है दोस्तों। बिल्कुल बूंदी मेन शहर से 12 किलोमीटर साइड में है। और यहाँ पर टोटली आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये पूरा जंगली इलाका है। और इसके अंदर दोस्तों पूरा पूरे ये कंजर आदिवासी जो है वो रहते हैं। और यहाँ ज़्यादातर इनका मेन काम होता है दोस्तों अपराध करना। अभी गाँव के अंदर मेरे को आते वक्त बहुत सारे आदमी भी मिले थे, वो कह रहे थे कि इस गांव के अंदर आप थोड़े से सचेत रहना कि यहाँ पे लूटपाट और ये ज़्यादा होते हैं और वेश्यावृत्ति का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो इस गांव को मैं पूरा पूरा आपको विजिट कराता हूँ, क्या क्या यहाँ पे कुरीतियाँ हैं, कैसे लोग रहते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे घर बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं ये कंजर आदिवासियों का गाँव। बुढ़िया पढ़ते हो आप स्कूल में? स्कूल नहीं जाते? स्कूल जाते ही नहीं? कभी एक बार भी नहीं गए? कभी स्कूल गए नहीं? कहाँ तक पढ़े? फिर छोड़ दी क्यों? ये दोस्तों सब वेश्यावृत्ति पूरा है। राम राम सर। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक छोटी सी दुकान बनी हुई है। सर आपका नाम क्या है? भोजराज। भोजराज जी, आप भी कंजर जाति से बिलोंग करते हैं। तो इस गांव में कितने घर हैं टोटल? टोटल कितने घरों का? 4-5 हजार घरों की बस्ती। 4-5 हजार घर है क्या? अच्छा, इतनी बस्ती है। अच्छा, ये छोटी सी दुकान है। और वो पीछे वाला घर आपका है? नहीं। अच्छा, ये छपरा आपका है? और कोई घर है ही नहीं आपका? बस ये सिर्फ इतने छपरे के अंदर यही। ये दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इनके बर्तन रखे हुए हैं और ये एक इस प्रकार से कूलर लगा हुआ है। तो रात को रहना करना सब यहीं पे होता है? और आपका घर ही नहीं है? और आगे भी? अच्छा, ये इधर है। तो आपके बच्चे वगैरह है ना, वो भी यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं, वाइफ और सब, वाइफ वगैरह बच्चा ये। अच्छा अच्छा। और ये इधर सामने दोस्तों आप देखेंगे ये इस प्रकार से यहाँ रखे हुए। और ये एक और अलग से घर है। ये घर अलग है ना? ये घर अलग है? अच्छा, पूरा यूँ चलता है। तो दोस्तों आप देखेंगे इधर भी बहुत सारे घर बने हुए हैं। इधर भी कितने घर हैं? अच्छा, ये दो घर है ना। अच्छा दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी ये पूरे कच्चे मकान बने हुए हैं। और बेटा तरपाल में कुछ भी। अच्छा, तो दोस्तों ये आदिवासियों का एक छोटा सा घर आपको देखने को यहाँ से मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से कि यहाँ पे अंदर घुसते ही ये इस प्रकार से एक छोटी सी रसोई बनी हुई है। और यहाँ पे इनके ये सिलाई का काम है। तो आपके आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे 4 लड़की 1 बच्चा। अच्छा, 2 पोते। पढ़ते स्कूल जाती है बच्चे? स्कूल जाती है ना ये छोटी वाले। ये कौन सी क्लास में गुड़िया आप? 7 में हो? इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम। सरकारी स्कूल है ना? गवर्नमेंट स्कूल है। और आप गुड़िया? ये मशीन चलाते हैं, यही रहती है। ये पढ़ते नहीं, ये मशीन चलाते हैं। अच्छा, इन्होंने मतलब आपने एक भी क्लास नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी। स्कूल गए नहीं बिल्कुल? गए नहीं। अच्छा, ये गए नहीं है ना। राम राम। राम राम। आप यही रहते हो? रहते। अच्छा, आप यहाँ पे कितनी पीढ़ियों से रह रहे हो? पुराने पीढ़ियों से यही रहते हो इन जंगलों में?
हमारी थी। तो आपके कंजर आदिवासी वो गोद ने नहीं गुदवाते, ऐसे चित्र बनाते ना हाथों पे, जैसे आपके वो बनाया हुआ है लिखे हुए नाम, वैसे बनाते हैं हाथ पर लिखी? हाँ नहीं लिखाते बेटा, जाते नहीं है ना मेरा खेलों में। नहीं आपके आदिवासियों में ऐसे लिखाते थे ना, लिखाते है ना हाँ। ऐसे हाथों पे जैसे चित्र बनाना हो, फूल बनाना हो, ऐसे बनाते थे पहले भी? नहीं बस आदिवासी में बनाए के रखते हैं। हाँ ये गोद ने गुदवाते है ना हाथों पे? अच्छा 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 अम्मा हो गए सो पे। अच्छा अम्मा ये? हाँ ये 100 साल के? हाँ 100 साल की होगी अम्मा। 100 साल पर भी ऊपर होगी? 100 साल से भी ऊपर हो? अच्छा आके भाई साहब। और आंखों से दिखता है? देख लेते हो आंखों से? आंखों से दिखता है? अच्छा तो भी थोड़ा थोड़ा दिखता है? दिखता बनाए इसकी आंख। अच्छा अभी बाहर से मैं जब आया तो बहुत डरता डरता आया मेरे को, काफी लोग डरा रहे थे कि भाई आप उधर लूट लेंगे वो कर देंगे, ये थोड़ा है इस एरिया में ज्यादा है ना। अगर हिम्मत मजबूत रहेगी तो कोई नहीं लूटेगा, हिम्मत कच्ची हो जाएगी तो कोई भी लूट लेगा। नहीं हमने तो क्या लूटे, हम तो खुद सामने से लूट लेंगे। सामने खड़ा हो जाना, मारना तो मार देगा, छोड़ूंगा तो नहीं तेरे को मैं, ये बोल देना डायरेक्ट ही, कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। किसी का मौका है मत लग जाना, मैं ये करवा दूंगा, ये हो जाएगा, वहाँ चलेंगे बस। ये फालतू बात है, हम किसान लोग हैं भाई, गरीब आदमी किसान हैं। गुड़िया इधर का। तो एक बात है, जैसे मैंने इस गांव में देखा है कि थोड़ा ये वेश्यावर्ती वाला ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे, इस गांव में थोड़ा ये ज़्यादा है। तो भाई देखो शौक से तो कोई नहीं करता, मजबूरी में करते हैं, है ना, बेरोजगार आदमी है सभी और गरीब आदमी है। तो यहाँ मतलब ये कब से चल रहा है, ये शुरू से ही चलते हैं? ये तो परंपरा है, जन्म लिया जहाँ से चल रही है। अच्छा जन्म लिया जहाँ से चल रही है, धीरे 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 बढ़ती रह रही है। आप इधर तो आओ, मेरे को उधर तो गर्दन दर्द कर रही है, ऐसे इधर आओ, ऐसे बातचीत करते हैं। तो ऐसा मतलब यहाँ पे कोई ऐसी कोई लड़की है या फिर ऐसी कोई महिला है जिसका मैं इंटरव्यू ले सकूँ कि मतलब उस वो अपनी आवाज बताए कि तो कोई नहीं है, फिर भी अगर वो साइड जाओगी, अगर ऐसा कोई रहेगा बोलेगा तो कोई नहीं है, फिर भी अगर वो साइड जाओगी, अगर ऐसा कोई रहेगा बोलेगा तो बोलेगा। क्या कहती, तो कोई जगह दी मैंने, हर बार पट्टी है मेरी। अच्छा ये आपके घर का मामला है? जमीन कुछ आता गरीब देख कर। अच्छा आगे पीछे कोई नहीं है? अच्छा लावर सी में है। अच्छा जिसके मारते है ये कंजर ज्यादा, 8-8, 9-9, 10-10 बेटे हो जाते हैं ना, और सोना चांदी हो जाता है, माया मात्रा हो जाती है, वो इंसान को मारते है। अच्छा गरीब को? अच्छा उसकी कोई दिया नहीं लेते है। हाँ कंजरों में ये धंधा है, कंजरों का काम मत देखे, कंजरों का काम देखेगा तो फिर घना मोड़ा हो जाएगा। अच्छा फिर मजदूर के कंजरों का ये चलता रहता है ना? ये कपड़े सब रहते, 4 सांप तो मार दिए इसमें। 4 सांप मारे इसमें? 4 सांप सच्ची आत्मा से कह रही हूँ, आज भगवान का बड़ा धन है, 4 सर्प मारी। क्या बात कर रहे हो? यहाँ से मारा यहाँ से। अच्छा यहाँ से मारा यहाँ से। अच्छा इतने मान की लड़की थी जो वो उठा कर मैंने भेजी, मैंने की बेटा पानी भर ला इसमें से। अच्छा ये पानी देने के लिए इधर का सांप पड़ा है, आदमी को बुलवा कर उधर से, अरे यू ला जब मारा इसमें 4 साल ऐसी बहुत को धंधे पर चढ़ा रखी इस गाँव में। अच्छा हम जैसे के तो कुछ भी नहीं है, मेरा बेटा, मेरी 3 लड़कियां थी, मैंने शादी कर दी, उनको भी सुख नहीं है,
अपनों को भी देखो ये डाल रहा है क्या। तो यहाँ मतलब हर घर में ये ऐसे चलता रहता, मैंने देखा नहीं जो खुशी तो जी एक सार सबनी। अच्छा एक सार सबनी, एक सार तहनी, कोई काश्तकार, कोई मेहनत करता है, कोई मजदूरी का करता है, कोई कहीं का खाता है। मेरा लाल ऐसा मेरे को झूठ मत कहना ये बात है। जैसे आ जाए तो देख ले से मैं इस लड़के लड़की का बड़ी वाले का जो तो पढ़ी लिखी है दसवीं पास में। और यहाँ पे देखा गाँव में मतलब छोटी छोटी बच्चियों की भी शादी हो गई है ना यहाँ तक। यहाँ तो अभी तो शादी वादी कुछ नहीं, दो साल हो गए शादी वादी कुछ नहीं चल रही। अभी तो शादी वादी कुछ नहीं चल रही मेरा लाल, अभी तो शादी चल तो बहुत टाइम लगेगी। हो जाएंगे ना खचा खचा जब पढ़नाएंगे इनके बाद इतने इतने मान के और सच्ची कह रही हूँ। चल रहा है कैमरा में तो मैं सारा समय तो मैं हंसान से कह रही हूँ, मैं क्या जानू क्या मैं जानती हूँ। यहाँ तो ये सरकार गवर्नमेंट ये कहता है 16 साल 15 साल लड़की की शादी मत करो। 15 साल लड़की ने पेट रखवा दिया कैसे शादी नहीं करेंगे, क्या उसका बच्चा घर में जनाएंगे माँ बाप, कोई माँ बाप को जेल जैसी जाना पड़ेगा। तो फिर ये तो छोटी बच्ची है मतलब, तो ये बच्चे मैं क्या करी 14-15 साल के लड़की की शादी होती, इससे ज्यादा लड़की रहती नहीं, रहती उदमादी पा जाती खाते के और प्यार करने लग जाती, खाड़ियों में जाना लग जाती, ऊंचे कराना लग जाती है। ये काम है ये तो और बात है तो और तो मेरे पास पूछे भी मैं दुकरी सच्चे कह रही हूँ, मैं सच्ची कह रही हूँ। ये मेरे को तो कलेक्टर के पास मुकवाएगा वो भी कह देंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पीछे इस प्रकार से ये कंजर आदिवासियों को टोटली कच्चे कच्चे घर बने हुए हैं। पूरे गाँव में लगभग पक्के भी है लेकिन कच्चे घरों में ये लोग ज्यादा रहते हैं। तो ये इस प्रकार से छपरे बने हुए हैं, बरसात के अंदर बहुत हालत ख़राब होती है यहाँ पे, क्योंकि ये पथरीला ज़मीन है यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत बारिश होती है तो यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश, यानी कि एकदम बड़ा नाला चलने लग जाता है ना। और ये इस प्रकार से ये सिस्टम है भाई यहाँ का। कसना कोई